बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सिस्टर, में शुमाइल आपके साथ हैं। और जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने प्यारों का, अपने बच्चों का, बुज़ुर्गों का ख्याल रख रहे होंगे। जनाब, कल मैं अपनी वालदा के घर गई थी, वहाँ हमने फ़िश बिरयानी खाई। एक्चुअली ये कोई दावत नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आपके साथ शेयर करूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। फ़िश बिरयानी देखें रेडी है, क्योंकि जब तक मैं पहुंची थी ये तैयार हो चुकी थी, वरना मैं इसको पूरी इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती। अब ये प्लेट्स में उतर चुकी है, इसके साथ जो है चटनी है, और जो है मतलब चटनी इसलिए रखी हुई है कि रायता तो बना हुआ ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो चटनी रायते में एक्स्ट्रा डाल के जो स्पाइसेस ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वो डाल लें। अच्छा, प्याज एक ऐसी चीज़ है हमारे यहाँ तो तकरीबन जो है हर सूरत प्याज खाई ही खाई जाती है। ये नहीं होता कि जनाब प्याज नहीं खाई जाए या पूरा का पूरा सैलेड हो। तो आप देख सकते हैं कि मतलब इंजॉय किया जा रहा है बिरयानी को, और ये बिरयानी मछली की बाक़ियात हैं, और ये मेरी प्लेट बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। मैंने मतलब अपना खाना ख़त्म कर लिया है, और ये देखें कि सैलेड के तौर पे जो हमारी प्याज थी वो भी ख़त्म है, रायता भी ख़त्म है। लॉट्स ऑफ एंजॉय विद मदर, सिस्टर और नीस, और इन सब के साथ बहुत इंजॉय किया है। बिरयानी की आप देख सकते हैं कंडीशन, बिरयानी एक्चुअल हम लोगों ने ठंडी होने की वजह से डिशेस में नहीं उतारी थी। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। कोल्ड ड्रिंक के साथ हम बिरयानी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी अपना ढेर सारा ख्याल रखें।